अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 22 फॉर इंटर पार्ट 1। एंड इन यस्टरडेज टॉपिक वी हैड स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर दैट वाज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब एक केमिस्ट होता है वो लैब में जाए, ठीक है, आप अगर केमिस्ट्री में अपना करियर आगे परस्यू करते हैं और आप लैब में जाते हैं या अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दौरान भी, टाइम ड्यूरेशन के दौरान भी जब आप लैब में जाते हैं तो आप डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं, डिफरेंट आप वहाँ पर जाके केमिकल रिएक्शन ऑब्ज़र्व करते हैं, डिफरेंट मतलब वहाँ पर प्रोसीजर करते हैं अटैम्प्ट। लेकिन आपको लैब में जाने के लिए भी बहुत सारी नॉलेज की पहले होना ज़रूरी है। लैब में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना कोई बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क नहीं है, बल्कि उसके लिए भी आपको पहले बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज होना भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नॉलेज है तो इसका मतलब कि आप एक्सपर्ट हो गए, आपने ये बुक सारा चैप्टर रट्टा लगा लिया इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो गए, ऐसा भी नहीं है। आपको नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब मैं बुक की हेल्प ले रही हूँ तो मैं बुक के थ्रू आपको जस्ट नॉलेज दे रही हूँ, और कल को जब आप कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो उसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को मिलेंगे जो आपके प्रैक्टिस को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि अगर आप कल को अपना कैरियर इसमें लेके चलते हैं तो आपको पता हो, आपको प्रैक्टिस हो, आपको नॉलेज हो डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करने की, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने की। तो हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन की। फ़िल्ट्रेशन की जब हम लोगों ने बात की थी तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल पेपर मैंने आप लोग को ये फोल्ड करना बताया था कि ये बताया था कि आप लोगों ने एक फ़िल्टर पेपर होता है उसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। फ़िल्टर पेपर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह उसको कहीं पर भी रख के आप यूज़ कर लेंगे, नहीं, बल्कि आपको उसके लिए भी स्पेशल टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। फ़िल्टर पेपर को यूज़ करने के लिए आपके पास ग्लास फ़नल का होना ज़रूरी है, उसका भी एक साइज़ अप्रोप्रिएट हो आपके सॉल्यूशन के हिसाब से कि जिस सॉल्यूशन को आप जो हैं फ़िल्टर करने जा रहे हैं। सिमिलरली फ़िल्टर पेपर भी उसी सॉल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फ़िल्टर पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा हो और बीच में प्रेसिपिटेट जो आपने फ़िल्टर आउट करना था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि फ़िल्टर पेपर बहुत ज़्यादा स्मॉल है और प्रेसिपिटेट या फिर सॉल्यूशन ओवरफ्लो हो जाए वहाँ से ज़्यादा इतने ज़्यादा अमाउंट में हो। इसी तरह मैंने आपको ग्लास फनल का बताया था कि उसकी जो स्टेम होती है वो लॉन्ग होनी चाहिए कि वो बीकर में नीचे जानी चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो। उसके अलावा बीकर के वॉल के साथ उसको अटैच करके रखें ताकि स्प्लैशिंग ना हो, और आपका जो सॉल्यूशन है वो रेगुलरली ग्लास फनल उस पेपर के अंदर से कॉनिकल पार्ट से गुजर के उसकी स्टेम में जा रहा हो, कंटिन्यूड फॉर्म में ना हो, कंटिन्यूसली वो फ़्लो करता जा रहा हो, तभी आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथली रन करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर कि किस तरह से आप लोगों ने फोल्डिंग करनी है, किस तरह से आप लोगों ने उसको अपने जो ग्लास फ्लास्क है उसके अंदर सेट करना है उसके कॉनिकल पार्ट में। ना सिर्फ फ़िल्टर पेपर जस्ट यूं ही रख के छोड़ देना है, बल्कि आपने हैंड को थोड़ा सा मॉइस्ट करके वो फ़िल्टर पेपर को मॉइस्ट करना है ताकि वो इजीली उसके अंदर उसके साथ अटैच हो जाए और फिर वहाँ पे सक्शन क्रिएट हो जाती है। जब सक्शन क्रिएट होगी तो जाहिर सी बात है कि वो फिर जो सॉल्यूशन है वो इजीली रन करेगा, और अगर सक्शन क्रिएट ना हो वो तब होती है कि जब आप लोगों ने अपना फ़िल्टर पेपर सही से फोल्ड ना किया हो या प्रॉपरली प्लेस ना किया हो। तो जब सक्शन नहीं होगी तो वो सॉल्यूशन जो है वो ऊपर ही कॉनिकल पार्ट में जमा होना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन नीचे ग्लास की स्टेम में नहीं जाएगा, उस फनल की स्टेम में नहीं जाएगा, और इस तरह से आप फ़िल्टर प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, या वो इनअप्रोप्रिएट मेथड हो जाएगा, या फिर जो आपका टाइम होगा फ़िल्ट्रेशन का वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम। तो ये हमारी बात हो गई है कल के लेक्चर की थोड़ी सी रिवीजन। अब हम बात करते हैं, हमारा एक और पेपर होता है दैट इज़ फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। एक तो था नॉर्मल फ़िल्टर पेपर जो आप लोगों ने नॉर्मली उसको हाफ़ में फ़ोल्ड किया, फिर उसके हाफ़ में, और फिर एक दरमियान से इस तरह से खोला कि थ्री पार्ट्स एक साइड पर और वन पार्ट एक साइड पर। लेकिन एक और पेपर होता है नॉर्मल पेपर को हम लोग यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम लोग बनाते हैं फ़िल्टर पेपर को। अब फ़िल्टर पेपर बनता किस तरह से, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के नॉर्मल आप फ़िल्टर पेपर ले लें और उसको फ़ैन की शेप दे दें, ठीक है, इतनी दफ़ा उसको फोल्ड करें कि उसको फ़ैन की शेप दे दें। ये आपके फिगर नंबर 2.2 आपके बुक में है, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर किस तरह से उन्होंने उसको फ़ैन की शेप दी थी।
और वो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर में नॉर्मल जो फ़िल्टर पेपर था वो कन्वर्ट हो गया है। अब फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर का क्यों हमने ज़िक्र किया है, क्योंकि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है यानी कि एक ऐसी शेप ले लेता है कि जब इसे एक कोनिकल फ़नल में रखते हैं तो वहाँ पर जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर, यानी कि ये फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है, स्पीड अप करता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर लेते हैं और उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं कि वो फ़ैन की शेप में हो जाए। ठीक है, अल्टरनेट आप लोग उसको फोल्ड करेंगे, अल्टरनेट इसमें एलिवेशन और डिप्रेशंस आ रही होंगी और वेरियस फोल्ड इज़ ऑब्टेंड। ठीक है, और उसकी मदद से फिर आप लोग उसको कोनिकल फ्लास्क में रखेंगे और उसके बाद वहाँ पे फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्मूथली रन करेगा। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी, फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर, पेपर को यूज़ करते हुए फ़िल्टर पेपर जो स्पेशल पेपर है फ़िल्टर के लिए उसको यूज़ करते हुए किस तरह से फ़िल्ट्रेशन होती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर क्रूसिबल्स। अब ये एक और दूसरी टेक्निक है कि ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम लोग फ़िल्ट्रेशन करते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर क्रूसिबल्स। ठीक है, ये भी एक कन्वीनियंट मेथड है फ़िल्ट्रेशन करने का, यानी कि सॉल्यूशन में से उनको अलहदा करने के लिए प्रेसिपिटेट्स को। ठीक है, ये एक कन्वीनियंट मेथड है और ये भी सक्शन के थ्रू होता है कि इसमें सक्शन का हेल्प, जिस तरह वैक्यूम का पाइप आपने अगर कभी देखा हो तो आप उसको रखें वो सक कर लेता है चीज़ों को, खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, तो जब आपने सक्शन करनी हो उससे क्या होगा कि आपका फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। तो जब सक्शन के ज़रिए हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रूसिबल्स, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रूसिबल्स जो यूज़ किए जाते हैं, नंबर वन इज़ गूज क्रूसिबल एंड नंबर टू इज़ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। दो किस्म के क्रूसिबल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन में, गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अगर हम लोग बात करते हैं गूज क्रूसिबल की, तो ये जो सिर्फ एक कप शेप है दिस इज़ कॉल्ड एज गूज क्रूसिबल। दिस कप शेप, इतना सा जो पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड एज गूज क्रूसिबल, उसे हम लोग गूज क्रूसिबल का नाम देते हैं। ये क्या है, ये पोर्सिलेन का बना होता है। ठीक है, और इसका जो बॉटम होता है वो परफोरेटेड होता है, यानी कि ये जो ये बॉटम है वो परफोरेटेड है, इसमें सुराख है, पोर्स हैं। पोर्स का साइज़ डिपेंड करेगा आपके फ़िल्टर के साइज़ के थ्रू के ऊपर, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ फ़िल्टर करनी है जो लार्ज इन साइज़ है तो इसके पोर्स थोड़े लार्ज होंगे, और अगर आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ फ़िल्टर करनी है जो स्मॉल इन साइज़ है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, तो हमारा जो गूज क्रूसिबल के परफोरेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। तो नॉर्मल जब हम लोग फ़िल्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो हम लोग इसका जो बॉटम है जो परफोरेटेड होता है, ठीक है, इसको या तो कवर कर देते हैं हम किसी पेपर के पल्प से, ठीक है, या फिर हम इसको फ़िल्टर पेपर इसके साइज़ के हिसाब से कट करेंगे और यहाँ पे इसके बॉटम में अटैच कर देंगे। उससे क्या होगा कि जितना वो फ़िल्टर होगा या तो उस पेपर पल्प में जमा हो जाएगा, इन पोर्स से होता हुआ कोई चीज़ अगर रह गई, इन पोर्स में से गुजर गई है, ठीक है, तो या फिर वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है मज़ीद जो हम उसे एक्यूरेट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि क्विक फ़िल्ट्रेशन, अगर हम लोगों ने गूज क्रूसिबल की मदद से भी अगर फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करना है तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि अपना गूज क्रूसिबल को लेके सक्शन अपरेटस में रख देंगे। ठीक है, सक्शन फ़िल्टरिंग अपरेटस, वो क्या करेगा, ये गूज क्रूसिबल उठा के मैंने सक्शन फ़िल्टरिंग अपरेटस में रख दिया, जब मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूँगी तो फिर क्या होगा कि वो नीचे से सक्शन क्रिएट होगी, हम वैक्यूम के ज़रिए यहाँ पे सक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ से ऊपर से लिक्विड को पास करेंगे, जब वो सक होगा यानी कि वो तेज़ी से नीचे की तरफ यहाँ पर बेसन में यहाँ पर जमा होता शुरू हो जाएगा इस बीकर के बॉटम में, और हमारा जो फ़िल्टर है वो यहाँ पर फ़िल्टर पेपर या जो भी आप लोगों ने यहाँ पर फ़िल्टरिंग एजेंट लगाया हुआ था वो उसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ये गूज क्रूसिबल है, अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़फुल है, ये ऐसे प्रेसिपिटेट को फ़िल्ट्रेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनको इग्नाइट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी जिनको हाई टेम्परेचर पे हीट अप करना पड़ता है। इसकी जो परफोरेशंस हैं कवर की जाती हैं एस्बेस्टोस से। अगर पहले तो मैंने आपको बात की है कि इसके परफोरेशंस को हम लोगों ने पेपर से, पेपर पल्प से या फ़िल्टर पेपर से कवर किया हुआ है, लेकिन दूसरी सूरत में अगर मुझे कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसा सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है जो
सिंपल पेपर जो फ़िल्टर पेपर है उसके साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज कर दे या फिर जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को डैमेज कर दे। तो जैसे कि हो गया कॉन्सेंट्रेटेड मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या फिर KMnO4 पोटेशियम KMnO4 हो गया, ठीक है। ये क्या है कि ये फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे, उसको डैमेज करेंगे, फ़िल्टर प्रोसेस ख़राब करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं उस सूरतों में गूज क्रूसिबल के साथ यहाँ पर फ़िल्टर पेपर उसकी बॉटम में अटैच नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पर एस्बेस्टॉस को अटैच करूंगी। एस्बेस्टॉस का फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे फ़िल्टर पेपर नहीं होगा, ये जो सॉल्यूशंस हैं ये जाके उस फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजीली कैरी आउट किया जा सकता है। तो गूज क्रूसिबल का फ़ायदा क्या है कि आप लोग इसका फ़िल्टरिंग एजेंट या फ़िल्टरिंग मीडियम चेंज कर दें, ताकि अगर कोई एक फ़िल्टरिंग मीडियम या फ़िल्टरिंग एजेंट जो है किसी सॉल्यूशन के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम लोग इजीली जो है दूसरा फ़िल्टरिंग एजेंट या फ़िल्टरिंग मीडियम को यूज़ कर सकें जो ईज़िली चेंजेबल है, और इस तरह हम लोग ईज़िली जो है ऐसे भी सोल्यूशनस को कर सकते हैं प्रेसिपिटेट जिनको इग्नाइट करने की ज़रूरत होती है हाई टेम्परेचर पर। इसके अलावा ऐसे प्रेसिपिटेट्स ऐसे सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर सकते हैं जो सिंपल फ़िल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर दे। तो ऐसी सूरतों में हम वो जो फ़िल्ट्रेशन पेपर फ़िल्ट्रेशन फ़िल्टर पेपर के थ्रू वो ग्लास फ्लास्क में ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो पेपर के साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज कर देंगे। तो ऐसी सूरतों में हम लोग क्रूसिबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये गूज क्रूसिबल हो गया, ठीक है। गूज क्रूसिबल का भी एक और फ़ायदा क्या है कि फ़िल्टर पेपर वाले अपरेटस को हम लोग जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उठा के इस फिल्टर सक्शन अपरेटस में नहीं रख सकते थे, जबकि गूज क्रूसिबल इसको हम लोग फ़िट कर सकते हैं इस सक्शन अपरेटस में, और फिट करने के बाद क्या होगा कि वो वहाँ पे इजीली सक्शन क्रिएट हो जाएगी और जो सॉल्यूशन है वो स्पीड अप होकर यहाँ से पास ऑन हो जाएगा, और इस तरह से हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। सेकंड जो हम लोगों ने टाइप देखी है दैट इज़ अबाउट सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सेकंड जो टाइप है क्रूसिबल की दैट इज़ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ग्लास से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ग्लास क्रूसिबल है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक पोरस ग्लास की डिस्क होती है जो सील होती है बॉटम में, ठीक है। पोरस ग्लास की डिस्क यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे सील हुई भी है, और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रिपरेशन का टाइम या प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी ये आपका सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, और ये जो ग्लास पोरस ग्लास है, पोरस मतलब यहाँ पर पोर्स मौजूद हैं इस ग्लास के अंदर, और वो यहाँ पे इसके बॉटम में यहाँ पे सील हुई हुई है। तो आपने जो भी सॉल्यूशन डालना है वो सॉल्यूशन इधर से पास होता हुआ इस ग्लास के ऊपर वो सारे प्रेसिपिटेट जमा हो जाएंगे, और जो सारे सॉल्यूशन हैं वो पास होता जाएगा ग्लास से नीचे एट द बॉटम। तो ये इसका फ़ायदा क्या है सिंटर ग्लास क्रूसिबल का कि जिस तरह गूज क्रूसिबल था उसको प्रिपेयर करना पड़ता था नीचे एस्बेस्टॉस लगाएं या फिर पेपर लगाएं फ़िल्टर पेपर, तो इस ग्लास क्रूसिबल में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रिपरेशन नहीं चाहिए है। ये ऑलरेडी आपको रेडीमेड मिलेगा आप लोगों को, मतलब जैसे बाकी गूज क्रूसिबल है या फ़िल्टर पेपर थे उनमें एरर के भी चांसेस होते हैं कि अगर एक ऐसा बंदा आ गया लैब में जो इनएक्सपीरियंस्ड है तो वो उनको प्रॉपरली अगर प्लेस ना कर सके फ़िल्टर पेपर को या गूज क्रूसिबल को प्रॉपरली प्लेस ना कर सके, तो वो उसका जो सारा फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर नहीं होगा, आप उससे 100% नतज 100% रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिंटर ग्लास क्रूसिबल का फ़ायदा क्या है कि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, तो इसमें कोई एरर की गुंजाइश नहीं है। जो लैब का टेक्नीशियन आएगा या जो लैब को यूज़ करने आए हैं स्टूडेंट्स या जो भी, वो क्या है उन्होंने जस्ट आके अपने सॉल्यूशन को इसमें पोर करना है, सॉल्यूशन खुद ब खुद वो ग्लास के ऊपर जमा हो जाएगा, जो प्रेसिपिटेट्स हैं सॉल्यूशन खुद ब खुद फ़िल्टर हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा ना टाइम रिक्वायरमेंट है ना अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज हम लोगों ने फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस को पढ़ा है, फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर, वो जो फ़ैन की शेप में फ़िल्टर पेपर था, उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है फ़िल्ट्रेशन थ्रू गूज क्रूसिबल, ये जो मैंने आपको बताया है कप शेप में जिसको हम लोग सक्शन के लिए भी सक्शन इंस्ट्रूमेंट में भी डाल सकते हैं, उसके अलावा मैंने बताया है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। कल इंशाल्लाह यहीं से लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।